नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। ये अपडेट है हॉल द्वारा बनाए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऊपर। हम सब जानते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भारत में ही बनाए गए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीदना चाहती थी, रादर कि वो दुनिया का कोई दूसरे देश का बना हुआ कोई ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे। लेकिन आर्मी और एयरफोर्स की ज़रूरतों को देखते हुए अमेरिका के साथ दुनिया का सबसे घातक अपैचे हेलीकॉप्टर भी खरीदा गया, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं। लेकिन ये जो इंडिया मेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसे भी अपैचे के साथ कंपेयर करके देखा जाता है, ये उसी की कैटेगरी का उससे कई गुना सस्ता और कई गुना घातक हेलीकॉप्टर है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत बहुत ही लंबे समय से सेना के आधुनिकीकरण से जूझ रहा था, और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आती थी कि सेना अगर किसी भी प्रकार का हथियार खरीदना चाहती थी, चाहे वो एयरफोर्स के लिए है, चाहे फाइटर जेट है, चाहे हेलीकॉप्टर है, चाहे कोई गन्स है, टैंक है, तो भारत को हमेशा ही दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, जिसकी वजह से हज़ारों डॉलर हमारे देश से बाहर चले जाते थे। तो ये करोड़ों डॉलर जो हमारे देश में ही आज अब फ़ायदा देंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी की ज़रूरतों को देखते हुए इनके लिए एमरजेंसी में अमेरिका के अपैचे जैसे खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर उसे भी खरीदा गया। 22 की संख्या में अपैचे आज इंडियन एयरफोर्स के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम पूरे तौर पर विदेशों के ऊपर तो निर्भर नहीं रह सकते, तो हॉल कई सालों के ऊपर लगाकर एक बड़े गाता हेलीकॉप्टर को बनाने में लगी थी, जो कि अपैचे के कंपैरिजन में खड़ा हो सके। तो इस काम में उन्होंने सफल हो चुके हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना लिया है। इसके जो 2-3 वर्जन्स बनाए गए थे, उसे लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया था इसे टेस्ट करने के लिए, और ये सारे टेस्ट को कंप्लीट कर चुका है। अब इसके चलते इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने कुल मिलाकर 160 लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दिए हैं। इन ऑर्डर्स का जो सबसे पहला बैच है 15 लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर्स का, वे बहुत जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा बराबर बराबर संख्या में आर्मी को और एयरफोर्स को। और ये भारत की खुद के जो इंडिजीनियसली बनाए गए एयरक्राफ्ट हैं, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, सबसे पहली बात तो ये क्षमता में बिल्कुल बहुत ही बराबर आके खड़े हो जाते हैं अपैचे जैसे हेलीकॉप्टर के। लेकिन वैसे तो हमारे देश की आर्मी के पास बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, 160 की संख्या में चेतक और चीता है, लेकिन वो बहुत ही जल्द रिटायर होने के गगार पर खड़े हैं, उन्हें रिटायर करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भारत के पास ALH रुद्रा जैसे भी हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन भारत कितनी देर तक MI हेलीकॉप्टर्स हो गए या कोई भी हेलीकॉप्टर्स हो गए, दुनिया के दूसरे बने देशों के हेलीकॉप्टर्स के ऊपर निर्भर रहेगा। कभी तो भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा इस क्षेत्र में भी। तो इस क्षेत्र की डिमांड को देखते हुए भारत की एयरफोर्स और मिलिट्री को अपनी अलग अलग डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऑर्डर दिया है इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने का। एक बार ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमारी एयरफोर्स और आर्मी में इंडक्ट कर लिए जाएंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा फायदे का होगा, क्योंकि इसमें हमारे अरबों डॉलर दूसरे देशों में भी नहीं जाएंगे, हमारे दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंस भी कम होगी, और पूरी दुनिया के आगे हम अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को दिखा सकते हैं इसका दम खम, जब वो ऑपरेशनल रूप से काम करेगा लद्दाख और पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर्स के एरिया के ऊपर। हम सब जानते हैं जब भी कोई अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की बात करता है, तो सबसे पहले और सबसे आगे अमेरिका के अपाची का नाम निकल कर आता है। लेकिन अब ये नाम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा, क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि हॉल द्वारा बनाया है, ये उससे कई गुना सस्ता और कई गुना घातक हेलीकॉप्टर है, जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। ये वेट में 2200 किलोग्राम का है, इसकी टॉप स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 700 किलोमीटर की रेंज तक का काम कर सकता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा मतलब फ़ायदे का सौदा साबित होगा। जो ये नहीं है कि भारत की ज़रूरतों को देखते हुए एमरजेंसी परचेज नहीं की गई है, क्योंकि 160 हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाने वाली जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी काफ़ी स्लो है, तो उसको मिलने में भी काफ़ी समय लगेगा। तो इंस्टेंट अभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 22 अपैची हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया था, वो इंडियन एयरफोर्स को मिल चुके हैं, और इंडियन आर्मी के लिए डेडिकेटेड अलग 6 अपैची हेलीकॉप्टर्स जल्द ही 2023 तक हमारी आर्मी को दे दिए जाएंगे, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है पिछले साल ही अमेरिका के साथ हुआ था। लेकिन फिर भी
इनके पास जो ऑर्डर दिए गए हैं, जैसे शॉर्ट पीरियड के लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम अपने ही हेलीकॉप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। और इसका एक अपग्रेडेशन वर्जन के ऊपर भी काम चल रहा है, जिसको लेकर ये हमारी क्षमताओं को और भी बढ़ाने का काम करेगा। तो साथियों बताइए, इसके अलावा भारत के पास कितने हेलीकॉप्टर हैं, कौन कौन से प्रकार के हेलीकॉप्टर और किस प्रकार से ये भारत की अलग अलग सेवाओं में मदद कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और एंड में कार्ड्स में मिल जाएगा, नीचे लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए।